का स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बिग न्यूज़ देने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। दोस्तों यहाँ रियलमी ने एक पोस्टर अपना रिलीज़ किया है और यहाँ जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ CUIOUS नाम का एक पोस्टर रिलीज़ किया है जिसमें बीच में CU के बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स को इन्होंने छोड़ दिया है। अभी यहाँ हमसे बोला है कि आप यहाँ अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ क्या आ सकता है और उन्होंने साथ में एक हिंट भी दिया है जिसमें हमारे हिसाब से यहाँ R फिट होने वाला है। दोस्तों यहाँ अगर हम यहाँ R को फिट कर देते हैं तो यहाँ ये क्यूरियस यानी कि जो स्पेलिंग है ये क्यूरियस बन जाती है। अब ये क्यूरियस है क्या और चलिए हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है रियलमी की जो डिवाइसेस थी यानी कि रियलमी 1, रियलमी 2 या रियलमी की जितनी भी डिवाइसेस थी उनके अंदर कलर OS का ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है जो कि हमारा ओप्पो का है। अब यहाँ रियलमी ने ये एक पोस्टर रिलीज़ करके ये जाहिर किया है कि वो अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लाने वाले हैं और जिसका नाम वो क्यूरियस रखने वाले हैं। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ कलर OS में हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और वहाँ तरह तरह की हमें हर रोज़ एक नई नई प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। बट यहाँ हो सकता है कि जो इनका जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हमें और भी बहुत कुछ नया देखने को मिले। ये काफ़ी ज़्यादा कलर OS से बेहतर हो सकता है और शायद हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। तो देखते हैं चलिए दोस्तों काम में हम आगे कि इस क्यूरियस जो इनका रियलमी वालों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कलर OS से बेहतर होगा या इसके अंदर कलर OS के कंपेयर में इसमें जो मिलने वाले फीचर्स हैं वो कम हैं या ज़्यादा हैं। अब ये तो जब क्यूरियस ऑपरेटिंग सिस्टम इनका जब रिलीज़ कर दिया जाएगा तो उसके बारे में तो हमें तभी पता चलेगा कि इसके अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। बस आज की इस वीडियो में मुझे आपको सिर्फ इतना बताना था कि ये लोग अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लाने वाले हैं और अब आपको कलर OS ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत जल्दी छुट्टी मिलने वाली है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी जैसे कि डेवलपर ऑप्शन, नोटिफिकेशन पैनल, थीम स्टोर वगैरह काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें काफ़ी कलर OS में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था जिसकी वजह से आपको फ़ोन चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। बट यहाँ अब जल्द ही ये क्यूरियस नाम का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम ला के अपने फ़ोन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक